नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। स्क्रैप कारोबारी बबलू जायसवाल जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार, 6 माह से विभाग की रडार पर था बबलू। मानगो स्थित बस स्टैंड प्रांगण में आपसी विवाद में खलासी ने ड्राइवर को लाठी डंडे से मारकर किया घायल। और झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय सुधीर महतो के 68वें जन्म जयंती पर लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। खबरें अब विस्तार से। स्क्रैप कारोबारी बबलू जायसवाल अरबों के जीएसटी घोटाला में गिरफ्तार, 6 माह से विभाग के रडार पर बबलू था। शहर के जाने माने स्क्रैप कारोबारी बबलू जायसवाल उर्फ ज्ञानचंद जायसवाल को जीएसटी घोटाला आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जीएसटी विभाग बीते 6 माह से बबलू की गतिविधि पर नजर बनाए हुए थी। सोमवार रात जीएसटी विभाग के कर्मी बबलू के सर्किट हाउस स्थित आवास पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार कर ले गए। बबलू से पूछताछ के बाद मंगलवार को उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके पूर्व इस मामले में जीएसटी विभाग ने विक्की भालोटिया, अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता और शिव दौड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिनसे पूछताछ में बबलू का नाम सामने आया था। इस मामले में मुख्य अभियुक्त रांची निवासी विवेक नरसरिया अब तक फरार है। सूत्रों की माने तो अब तक गिरफ्तार विक्की भालोटिया, शिव दौड़ा, अमित गुप्ता और सुमित गुप्ता ने 5,000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी घोटाला किया है। वहीं बबलू ने 300 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी घोटाला किया है। बबलू इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए जीएसटी घोटाले को अंजाम देता था। ये सभी घोटाला अकेले जमशेदपुर से ही किया गया है। फिलहाल आरोपी बबलू को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। मेडिकल कराए हैं तो मेडिकल वाला टूट ही जाता है ना, हैं टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। किस मामले में है कुछ ये खाली बता दी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पता चल जाएगा। कौन विभाग का है ये? जीएसटी का। जीएसटी का है। अभी कोर्ट चलिए, कोर्ट में पता चल जाएगा बाकी का। इधर मानगो स्थित बस स्टैंड प्रांगण में आपसी विवाद में श्री बस के खलासी ने लाठी डंडा से मारकर बागबाण बस के ड्राइवर को मारकर जख्मी कर दिया। इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती किया गया। सीताराम डेरा स्थित बस स्टैंड प्रांगण में आपसी विवाद में श्री बस के खलासी ने बागबाण बस के ड्राइवर मनोज सिंह को लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ड्राइवर को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है। बस था वो, हाँ, आपके पास गाड़ी है, उसी का था, उसी का खलासी है, उसी का स्टाफ मारा है जी। गाड़ी हटाने को लेकर के, हाँ, क्या चीज़ से मारा आपको? आप डंडा से मारा, फाटे से मारा, जो भी मारा। आप कौन गाड़ी चलाते हैं? हम बबुआन चलाते हैं। बबुआन बबुआन, हाँ, बस जी। हाँ, क्या नाम आपका पता? हमारा मनोज सिंह नाम का। उधर झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय सुधीर महतो के 68वें जन्म जयंती पर आम से लेकर खास लोगों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कदमा स्थित निर्मल महतो स्टेडियम में स्थापित उनकी प्रतिमा पर सभी ने माल्यार्पण किया। झामुमो जिला समिति के द्वारा इस मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी सह ईचागढ़ विधायक सविता महतो, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन समेत झामुमो के कई वरीय नेतागण मौजूद रहे। सभी ने इस दौरान स्वर्गीय सुधीर महतो के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर निर्मल महतो स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया था, जिसके विजेता खिलाड़ियों को भी अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जो हमारे पूरे कोलाने में पूरे राज्य में मनाए जा रहे हैं और शहीद स्टेडियम निर्मल महतो स्टेडियम जो आज उनका स्टेच्यू में माला पर श्रद्धांजलि पूरा फैमिली के साथ साथ पूरा कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं। सदन विधायक के साथ साथ मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक वैसा व्यक्ति थे जो सभी को साथ लेकर के चलते थे और हर के दुख सुख हमेशा वे खड़े रहते थे। पार्टी के बारे, संगठन के बारे हमेशा वे सोचते रहते थे किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाएगा, कैसे पार्टी में रहकर के सारे लोगों को एक साथ लेकर के चल के जनहित का काम को कैसे हम सर जमीन पर उतारेंगे। इन तमाम विषयों पर हमको लगता है कि समय समय पर सुधीर जा ये विचार करते हुए और लोगों के साथ मिलते थे, उनकी समस्या को भी सुनते थे और समस्या का समाधान करने का भी प्रयास करते थे। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के भगना अनूप टूडू का आज चांडिल प्रखंड के चकोरिया आवास में सोमवार की रात को निधन हो गया। मंगलवार सुबह अनूप टूडू के निधन की खबर से पूरे चांडिल क्षेत्र में शोक बना हुआ है।
पैतृक गांव चकोलिया में उनका पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अपने फुफेरे भाई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मंत्री बसंत सोरेन भी पहुंचे और संवेदना व्यक्त की, भाई के शव यात्रा में शामिल भी हुए। वहीं कार्यक्रम में ईचागढ़ विधायक सविता महतो, बसंत सोरेन के मामा गुरुचरण किस्कू, चारू किस्कू, सुखराम हेम्ब्रम, बुद्धेश्वर मार्डी, अरुण टूडू, जेएमएम जिलाध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो, रमेश हांसदा, लालटू महतो एवं पंचायत के मुखिया सहित समाज और ग्रामीण शामिल थे। बताया जाता है कि दिवंगत अनूप टूडू कुछ महीने से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। लगातार नियमित डायलिसिस पर रखा गया था। डॉक्टर ने उन्हें किडनी प्रत्यारोपण की भी योजना बना रहे थे। सोमवार शाम को अचानक तबीयत बिगड़ी और जमशेदपुर के ब्रह्मानंद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दिवंगत अनूप टूडू राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झामुमो सुप्रीमो सिबू सोरेन के छोटे भांजा थे। 2 वर्ष पूर्व में मझले भाई का भी किडनी की बीमारी के कारण देहांत हुआ था और बड़े भाई कपूर बागी भी इस बीमारी का सामना कर रहे हैं। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, सूर्य मंदिर के विवाद से दूर रहने की सलाह दी, धमकी नहीं तो लेंगे जान। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के युवा मोर्चा के जमशेदपुर जिला अध्यक्ष अमित शर्मा के द्वारा जमशेदपुर के वरीय आरक्षी अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर विगत दिनों पश्चिम बंगाल के दीघा में रहने के दौरान व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जेल से धमकी मिलने की शिकायत की है। अमित शर्मा ने बताया कि 23 जून को वह अपने परिवार के साथ दीघा समुद्री तट पर छुट्टियाँ मनाने गए थे, तभी उनके मोबाइल पर शाम 5:20 को 24 जून को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से उन्हें धमकाया गया। कॉल करने वाले ने उन्हें विधायक सरयू राय का करीबी बताया और सूर्य मंदिर के मामले से दूर रहने की नसीहत दी। उन्होंने स्वयं को एक माफिया का गुर्गा बताया और ये भी कहा कि उसके पिता सूर्य मंदिर में दायित्वधारी हैं और वे स्वयं रांची जेल से बोल रहे हैं। फिर उसने धमकी भरे अंदाज से बोला कि तुम इस लेबर सोसाइटी का काम बर्मा माइंस कंटेनर यार्ड में चला रही हो, उसमें हमला करवा दिया जाएगा और सारे सदस्यों की हत्या करवा दी जाएगी। अमित शर्मा ने SSP से मांग करते हुए कहा कि उनके कार्य क्षेत्र में 60 लोग हैं जिनमें 150 की संख्या में श्रमिक जुड़े हैं, यह 60 परिवारों का मामला है। अमित शर्मा ने आगे बताया कि फोन में धमकी देने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से भी उन्हें धमकाने का प्रयास कर रहे थे और गंभीर परिणाम करने की चेतावनी दे रहे थे। और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, मतदाता सूची पुनरीक्षण में सहयोग की अपील की। जमशेदपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों से सहयोग की अपील की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार 25 जून से 24 जुलाई तक मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत BLO घर घर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य करेंगे। इसी क्रम में राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करें, साथ ही यदि उनके पास मतदाताओं से प्राप्त शिकायतें हैं तो उसकी सूची भी उपलब्ध कराएं, जिसे समय रहते उनका समाधान किया जा सके। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 1500 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्र, जर्जर तथा दूरस्थ मतदान केंद्र और शहरी क्षेत्र की सोसाइटीज़ के मामलों में सर्वेक्षण करते हुए नए मतदान केंद्र बनाए जा सकते हैं। इस बाबत उन्होंने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि ऐसे क्षेत्रों में यदि कोई नए मतदान केंद्र निर्माण की आवश्यकता प्रतीत होती है तो वे उसकी सूची अविलंब जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 1 जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मनाते हुए 18 वर्ष पूरे करने वाले नए मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने का कार्य किया जाना है। साथ ही शिफ्टेड, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं का सत्यापन करते हुए मतदाता सूची से उनके नाम का विलोपन नियमानुसार सुनिश्चित करना है। मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन 25 जुलाई, दावा और आपत्ति दाखिल करने की तिथि 25 जुलाई से 9 अगस्त तथा दावों और आपत्तियों का निपटारा 19 अगस्त को किया जाएगा। साथ ही सूची का अंतिम प्रकाशन 20 अगस्त को किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से ज़्यादा योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने में सहयोग की बात कही गई तथा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से हाउस टू हाउस सर्वे का अपने स्तर से प्रचार और इसमें सहयोग की अपील की गई और BLO के साथ राजनीतिक दलों द्वारा बूथ लेवल एजेंट टैग करने की बात कही गई ताकि स्वस्थ और त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाया जा सके। हमारी प्री रिवीजन एक्टिविटीज जो है वो आज से ही 25 जून से स्टार्ट हो रही है, जो कि 24 जुलाई तक चलेंगी। इसमें BLOs के द्वारा हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन किया जाना है, साथ ही साथ जितने भी हमारे रैशनलाइजेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ पोलिंग बूथ हैं वो सारे किए जाने हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी एपिक कार्ड या फिर इलेक्ट्रल रोल में जितने भी डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको पूर्ण किया जाना है। इसके बाद हमारी रिविजन एक्टिविटीज़ जो कि पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इंटीग्रेटेड रोल किया जाएगा, जो कि 25 जुलाई को किया जाएगा।
साथ ही पीरियड फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस 25 जुलाई से 9 अगस्त तक हमारा रहेगा। उसके बाद हमारी कुछ स्पेशल कैंप डेट्स हैं जो कि सैटरडे संडे को रहेंगी, 27 जुलाई 28 जुलाई जो कि सैटरडे संडे है, साथ ही 3 अगस्त और 4 अगस्त अगेन जो सैटरडे संडे है। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 19 अगस्त कर लिया जाएगा और फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल जो है वो 20 अगस्त को की जाएगी। कुछ हमारे विशेष अभियान चलने वाले हैं जिसमें PVTGs के निबंधन से रिलेटेड 29 जुलाई को चलाया जाएगा। जिला अंतर्गत नगर निकायों में जो वैन बसेरा आश्रय गृह हैं वो हमारा 30 जुलाई को किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे दिव्यांगजन की 31 जुलाई को मार्किंग और निबंधन से रिलेटेड स्पेशल अभियान चलाया जाएगा। 1 अगस्त को 85 प्लस का चलाया जाएगा और 2 अगस्त को हमारा थर्ड जेंडर और सेक्स वर्कर्स इत्यादि के लिए चलाया जाएगा। इसमें नॉन पॉलिटिकल NGOs और CSOs इत्यादि की भी मदद ली जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज से भी आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द अपने बूथ वार बूथ लेवल एजेंट्स असाइन करें ताकि वो BLOs को मदद कर सकते हैं फॉर्म कलेक्शन में भी, जिसमें प्रत्येक BLA पर डे एक बार में 10 फॉर्म से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, परंतु अगर उनके क्षेत्र में कोई भी ऐसे लोग हैं जो जिनका नाम डिलीट करने की आवश्यकता है या फिर जिनका नाम ऐड करने की आवश्यकता है या कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज इत्यादि जो भी चेंजेस करने की आवश्यकता है वो BLOs के माध्यम से भी हो सकता है, फॉर्म कलेक्शन के पश्चात वो BLOs को दे सकते हैं और BLOs भी हाउस टू हाउस वेरीफाई करते हुए ये सारी एक्टिविटीज़ करें। 25 जून 1975 को देश में लगे आपातकाल को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भाजपा ने काला दिवस के रूप में मनाया। इस बाबत एक संगोष्ठी का आयोजन मानगो में किया गया जहां प्रतिपक्ष नेता अमर बाउरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यहां तमाम भाजपाइयों ने काला बिल्ला लगाकर अपना रोष प्रकट किया। बता दें कि आज के दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था और इसी काल में भारी संख्या में लोग मारे गए थे, साथ ही सैकड़ों लोगों को जेल भेज दिया गया था। तब से लेकर लगातार आज तक भाजपा इसे काला दिवस के रूप में मनाती है। इस संगोष्ठी में प्रतिपक्ष के नेता अमर बाउरी ने आपातकाल के वक्त के दौरान देशवासियों पर हुए जुल्म और अत्याचार बताते हुए इस अध्याय को देश का काला अध्याय बताया। आज कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि देश का संविधान और वो भूल जाते हैं कि 50 साल पहले उनकी ही दादी इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरह से खत्म करके देश में आपातकाल लागू किया। देश के सारे संवैधानिक अधिकारों को उन्होंने खारिज कर दिया, सारे नागरिकों के मूलाधिकार को खारिज कर दिया और पूरे देश को बंदीगिरी के रूप में बदल दिया। आज देश को खतरा कांग्रेस से है, कांग्रेस जैसे उस सोच से है जो देश को रहे या ना रहे उनका सत्ता रहना चाहिए। उनके लिए अभी सत्ता अगर मिले और देश गुलाम हो जाए और उनको यदि वायसराय बना दिया जाए तब भी वो देश का ज़्यादा वायसराय बनना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान करने का और संकल्प लेने का कि इसे इस भ्रामक राजनीति का एक गलत फहमी पैदा करके सत्ता सुख भोगने की राजनीति का जो जनक है कांग्रेस JMM और RTD है इसको इसकी पर्दाफाश करना और देश में संविधान को मजबूत बनाए रखना BJP के नेतृत्व में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये हम सबका मतलब है। पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार के अनुशंसा पर बाल विकास परियोजना कार्यालय से बागबेड़ा पोस्तो नगर निवासी दिव्यांग अंजना देवी एवं कीतानी निवासी ममता कुमारी दोनों को ट्राई साइकिल उपलब्ध करवाया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुधा वर्मा, अंचला पदाधिकारी मनोज कुमार, के पदाधिकारी सुशीला देवी, पुतुल मुखिया उमा मुंडा, पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, उप मुखिया संतोष ठाकुर संयुक्त रूप से दिव्यांग दोनों महिलाओं को ट्राई साइकिल पर अपने हाथों से बैठाने का कार्य किए। ट्राई साइकिल पर बैठते ही दिव्यांग दोनों महिला के चेहरे खिल उठे। दोनों महिलाओं को आवागमन में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ट्राई साइकिल पर चढ़कर दोनों दिव्यांग महिलाएं अपने गंतव्य और अन्य जगह आराम से जा पाएंगी। दिव्यांग दोनों महिलाओं ने मुखिया उमा मुंडा, पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, उप मुखिया संतोष ठाकुर से ट्राई साइकिल आग्रह किया था। मुखिया उमा मुंडा, पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, उप मुखिया संतोष ठाकुर ने विधायक संजीव सरदार से अनुशंसा करवाकर CDPO कार्यालय से दोनों दिव्यांग महिलाओं को ट्राई साइकिल देने का कार्य किया। इस मौके पर मुखिया उमा मुंडा, पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, उप मुखिया संतोष ठाकुर, मुखिया प्रतिनिधि KD मुंडा, वार्ड सदस्य उमेश पांडे, प्रतिनिधि राजकुमार सिंह, अरविंद पांडे, रिंकू सहित कार्यालय के पदाधिकारी उपस्थित थे। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। TV सीरियल की जो सास और बहुएं हैं क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं? मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला।
पीएन चौधरी में। पीएन चौधरी का नया एसी शोरूम जरीवाला। पीएन चौधरी झंडा चौक साक्षी बाजार जमशेदपुर। यहां पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला। पीएन चौधरी 2x6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, साक्षी, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438404। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1-0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है, और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर आर रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। विजिट आवर रजिस्टर्ड ऑफिस, बदानी ट्रेड सेंटर, ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 7, आर रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657-23-20075। फिर से आपका स्वागत करती हूं। कांग्रेसी नेता शहनूर रहमान ने कहा कपाली के अमजद अली हत्याकांड मामले में नामजद सरबर आलम निर्दोष है, उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कांग्रेस नेता सहनूर रहमान उर्फ SP भाई ने कहा कि कपाली के अमजद अली हत्याकांड मामले में नामजद सरबर आलम निर्दोष है। इस मामले पर उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मैं भी एक टेम्पो चालक हूं, मैं भी पेशे से टेम्पो चलाता हूं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं, समाज के लिए काम करता हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे उस परिवार के लिए संवेदना है, मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। मुझे अफसोस है कि टेम्पो चालक का मृत्यु हो गई, लेकिन जहां तक
मुझे इस बात का भी अफसोस है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कि नगर परिषद के जनप्रतिनिधि सरवर आलम जी के ऊपर में, जो नगर परिषद में चुनाव से जीत करके आए थे, उनके ऊपर लांछन लगाना, उनको इस मर्डर केस में घसीटना, ये कहीं भी किसी भी तरह से गलत है, सही नहीं है। निराधार आरोप लगाया गया है, वो बिल्कुल बिल्कुल निराधार है। इधर सरायकेला के उप विकास आयोग की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न हुई और गांव और पंचायत को मॉडल गांव पंचायत के रूप में विकसित करने हेतु योजनाओं का चयन कर निश्चित समयावधि में पूर्ण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बद्रियार की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आहूत की गई। समाहरणालय सभागार में आयोजित इस बैठक में मुख्य रूप से जिला भू अर्जन पदाधिकारी चांडिल सह जिला पंचायती राज पदाधिकारी विकास राय, प्रखंड विकास पदाधिकारी खरसवा, प्रखंड विकास पदाधिकारी सरायकेला एवं सभी संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने 15वें वित्त आयोग अंतर्गत सभी प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में संचालित योजनाओं की समीक्षा कर लंबित योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही ऑनगोइंग स्कीम को निश्चित समयावधि में पूर्ण करने का निर्देश दिए। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के निर्देशानुसार जिले में 19 से 26 जून तक मादक पदार्थों के विरुद्ध विभिन्न माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कड़ी में सोमवार को जिला जनसंपर्क कार्यालय सरायकेला खरसवा के द्वारा जिले के सभी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत के माध्यम से लोगों को मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभाव, मादक पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य एवं परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव, मादक पदार्थों की बिक्री और परिचालन में संयुक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा कर जागरूक किया गया। वहीं लोक नृत्य कला केंद्र खरसवा द्वारा नशा मुक्त जिला अभियान के तहत बालक मध्य विद्यालय सरायकेला एवं उकरी मोड़ सीनी में नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। केंद्र के सचिव मोहम्मद दिलदार अंसारी के मार्ग निर्देश के तहत केंद्र के मेंटर पिनाकी रंजन के निर्देशन में कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया, जिसमें मानभूम शैली के छऊ नृत्य का प्रदर्शन और नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन करते हुए कलाकारों ने मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभाव की जानकारी दी, जिसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं को मादक पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर लोक नृत्य कला केंद्र खरसवा के कलाकारों के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक राम तीयू की अध्यक्षता में विद्यालय परिवार द्वारा नशापान से दूर रहने और औरों को भी दूर करने के लिए प्रेरित करने का सामूहिक संकल्प लिया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। स्क्रैप कारोबारी बबलू जायसवाल जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार, 6 माह से विभाग की रडार पर था बबलू। मानगो स्थित बस स्टैंड प्रांगण में आपसे विवाद में खलासी ने ड्राइवर को लाठी डंडे से मार कर किया घायल। और झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय सुधीर महतो के 68वें जन्म जयंती पर लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।